ये एक मंजिल है, तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. Kamyabi ki raah par hazar se bhi zyada nishan. GS Score. Hello everyone. I am Kasturi Panda. मैंने यूपीएससी 2022 में 67 रैंक हासिल की है। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल। इन दिस सेशन आई विल बी शेयरिंग माय स्ट्रेटजी कि घर बैठे अपनी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से कैसे करनी चाहिए, एंड आई विल बी शेयरिंग माय फीडबैक ऑन द कोचिंग ब्रांड्स जो लेते हैं, विच द क्लेम्स ऑफ माई एसोसिएशन विद देम। एक चीज तो पहले क्लियर करना चाहूंगी, सिर्फ मैंने अनअकैडमी में मृणाल सर के वीडियोस को देखे थे, एंड उसके साथ साथ बाकी मेरी कोचिंग वाली एसोसिएशन या तो टेस्ट सीरीज की थी जो मैंने बताई थी फॉर फॉरम एंड विजन वाली जीएस के लिए, एंड सोशियोलॉजी के लिए 3 टेस्ट सीरीज लिया था ओवर दिस पीरियड। पहले तो आई डिड नाइस आईएस प्रवीण किशोर सर वाला, then Vamsi Krishna sir when he was associated with IS Baba, then Reliable and Valid एक website है, they don't have a physical infrastructure, तो वहां से मैंने अपनी 2020 वाली जो 22 वाली final test series लिया था। एक चीज share करना, I wanted to share this feedback with everyone using this platform। बताना चाहूंगी कि classroom coaching लेने वाली नहीं लेने वाली decision मैंने कैसे ली थी। इट वॉज बहुत जनरली एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो हम कहते हैं वो हर एस्पिरेंट में रहती है कि इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, इफ आई एम नॉट शिफ्टिंग टू दिल्ली। ये चीज पहले वाले जो फाउंडेशन कोर्स में भी आती है, फिर प्रीलिम्स के बाद मेन से पहले वाले फेज में भी आती है, एंड ऑनेस्टली दोनों बार मेरे दिमाग में भी यही आया था कि इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। वो नर्वसनेस नेचुरल है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर कि कुछ ऐसा मिस नहीं होता है। जो भी दिल्ली में होता है वो सब आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल जो इवेंट्स हुए थे लाइफ में उसकी बात करूं, तो 2019 में ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद व्हेन आई गॉट सम टाइम, तो तब आई वेंट टू दिल्ली टू एक्सप्लोर कि कोचिंग में क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्या ही होता है वो क्लासरूम कोचिंग में, इफ आई नीड द हेल्प और नॉट। जाते वक्त ये सब नहीं सोच की गई थी, जाते वक्त यही सोच की गई थी कि मुझे क्लासरूम कोचिंग लेनी चाहिए, बिकॉज वो एक थी जब मतलब व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन पीरियड एनआईटी में, वहां इतना ज्यादा उसमें इकोसिस्टम या अवेयरनेस नहीं थी, तो नेचुरली एंड इट्स अ रेयर थिंग, मतलब ओडिशा में जो प्रॉब्लम होती है मेंटोरशिप की गाइडेंस की, तो सबकी यही राय थी मेरी पेरेंट्स की एंड सम एडवाइजर्स और जिससे मैंने कंसल्ट किया, तो दैट दिल्ली इज द मक्का ऑफ प्रिपरेशन और वहां पे आपको जानी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए। तो मैंने जाके, आई रिमेम्बर इट वाज मे बी द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आई इवन एनरोल्ड इन द फुल जीएस फाउंडेशन कोर्स वाजीराम की, बट देन वहां पे जाने के बाद एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी टू ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट फ्रेंडली बनिए। बहुत ही ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड एनवायरमेंट लगा मुझे, तो मैंने फिर एडमिशन के बाद जब टाइम मतलब नेक्स्ट डे आया क्लासेस शुरू होने के बाद, एक क्लास में गई भी थी। कोर्स फीस भी बहुत ज्यादा हेफ्टी होते हैं फॉर द फाउंडेशन कोर्स, जिसमें मुझे लगा कि उतना इनपुट या आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज मोस्टली फाउंडेशन कोर्स में कवर करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी या बुक्स में होते हैं, टेस्ट सीरीज सेपरेट पार्ट होती है, वैल्यू एडिशन सेपरेट पार्ट होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये सब मुझे वहां जाने के बाद पता चला। एक क्लास मैंने ली थी, देन आई रियलाइज कि सिर्फ 2 घंटे की ही क्लास है, एंड उसके लिए वाई टू शिफ्ट टू दिल्ली, फिर एक पीजी लो, स्पेस कॉन्स्टेंट्स बहुत होते हैं, सारे काम खुद करने पड़ेंगे नेचुरली, तो देन आई डिडंट फाइंड दैट एटमोसफियर प्लीजिंग फॉर स्टडीज। मैं बैठ के फिर बाकी 20 घंटे तो रूम पे ही पढ़ना है, तो
तो वही था मेरा कि एंड जो एक आधा घंटा रेडी हो जाके पहुंचो, देन कोचिंग लो, फिर वापस आओ, इसमें तो 4 घंटे गए. देन उसी दिन रात को ही जब क्लास से वापस आई, देन आई वाज वंडरिंग कि अगर मैं वो 4 घंटे खुद ले लूं, 2 घंटा कोई एक्सपर्ट पढ़ा रहा है तो 2 घंटे में समझ में आएगा, 4 घंटे मैं खुद पढ़ लूं तब भी समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती जो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं, वो बहुत बेसिक चीजें पढ़ाते हैं. दैट इज हाउ मैंने उसी रात को ही कॉल करके घर पे डिसीजन लिया दैट आई एम कमिंग बैक. तो उसके लिए एक तो आई एक्नॉलेज कि पूरी फीस वाजीराम ने थोड़ी सी एक टोकन अमाउंट लेके रिफंड आ गई थी. एंड ये चीज, ये स्ट्रैटेजी स्पेशली मैंने शेयर करने के लिए इसलिए डिसाइड किया, दिस इज फॉर द सेक ऑफ रीजनल कैंडिडेट्स जो दिल्ली में नहीं रह के कहीं प्रिपेयर करते हैं. A lot has been said about the coaching institutes in Delhi. Honest, dishonest, जो भी हो, मैंने honest experience share किया and I am grateful to them कि मेरी वो investment waste नहीं गई and I got the refund back in just the next day. But problem फिर ये हुई when I came back to Bhubaneswar, my hometown. My parents were वो लोग थोड़े मतलब they were not sure कि अकेले सब कुछ कर पाएगी या नहीं, because the syllabus is so big. एंड अक्सर लोग बहुत सारे अटेम्प्ट लेते हैं, बट आई हैड दिस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो थोड़ा था ही, जैसे हर एस्पिरेंट में होता है पहले अटेम्प्ट में कि ये मैं खुद ही कर लूंगी एंड पहले अटेम्प्ट में ही आई विल क्लियर इट. तो वो तो बात की बात थी, बट देन ये पेरेंट्स को बताना बहुत मुश्किल हो गया था. तो दे सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू टेक मतलब गाइडेंस या मेंटरशिप लोकली. दिस थिंग मैं ये फोर्सफुली कह रही हूँ, मतलब उस पर थोड़ा स्ट्रेस लेके, इट इज बिकॉज जो रीजनल कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ये लोग ज्यादा फेमस नहीं होते, अक्सर दे आर नॉट रजिस्टर्ड पार्टीज, मतलब जो कंपनीज एक्ट या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट उसमें उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती है. एंड जो गलिबल एस्पिरेंट्स होते हैं लाइक मी, जो वेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई वॉज वेरी टिमिड एंड दिस फियरफुल पर्सन, मुझे ठीक से आइडिया नहीं थी क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, बस घुस गए तो आगे बढ़ो. देन तो आई वॉज लाइक एक्सेप्टिंग वट एवर एडवाइस आई गॉट. एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी माई डैड गॉट एनरोल्ड टू मी, बट दैट वॉज सच अ बैड डिसीजन आई मेड. तो आई रिपेंटेड कि मतलब वो बाजीराम वाली लेवल की बेसिक चीजें भी नहीं थी टू टीच अ सर्टन कॉन्सेप्ट ऑफ से 1 पेज ऑफ एनसीईआरटी. टीचर्स विल टेक लाइक वेस्ट 5 to 6 days ऑफ योर टाइम. तो वहां पे भी ऐसे 4-5 क्लासेस करने के बाद आई रियलाइज्ड कि इसकी जरूरत क्या है. एंड दे आर नॉट इवन, ये बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, दे ओनली केयर अबाउट द फीस. अक्सर मुझे मेंटरशिप वो नहीं मिली, डाउट क्लियरिंग के लिए दे वर नॉट अप्रोचेबल. जो मैनेजर भी थे वहां, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट रूड टू मी कि आप नहीं कर पाओगे, आप बैठ के 4 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो कैन यू डू दिस. आई स्टिल रिमेम्बर इट. And that was not a very nice experience. मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ because even they charge very high amount of money, almost comparable to जो दिल्ली में लेते हैं. अगर figures की exact बात करूँ, that's 1 lakh plus. तो ये investment करने से पहले आप सोचिए कि आप are you going to like utilize that, ये आपकी income हो, आपकी parents की income हो. Everyone has does not have the same level of financial condition. शेयर इसलिए कर रही हूँ, आप जब जो भी डिसीजन ले जुडिशियसली ले कि आप ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिटर्न्स देख के उसको चूज करें कि आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं. एंड माय एक्सपीरियंस इट गॉट इवन वर्स जब आई वेंट की 4-5 डेज के बाद आपने डेमो तो ऑफर नहीं किया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. तो कोई क्लॉज तो कुछ तो होगा, आप थोड़ा सा कुछ एडमिशन फीस या रिटेंशन फीस लेके बाकी यू शुड रिफंड. Because this is a big amount of money, ये कोई 5-10 हज़ार की बात नहीं है that our aspirant should leave it कि ठीक है हो गया हो गया. But as I said, behavior बहुत rude था and I realized कि वो लोग शायद registered भी नहीं थे and that didn't happen. ऐसे पूरा उसको pursue भी किया था 10-15 days के लिए and they didn't respond. तो ultimately when मैंने सोचा कि I should focus more on my preparation, इसके लिए ध्यान क्यों दूँ. तो अल्टीमेटली आई हैड टू गिव अप एंड मैंने इग्नोर किया था वो चीज को. बट आफ्टर द रिजल्ट्स गॉट डिक्लेयर्ड, नाउ अभी सिर्फ 15 दिन पहले की बात करूं, और मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अदर एस्पिरेंट्स की ये सब चीजों में फंसे. दे हैड द ऑडेसिटी कि दे क्लेम्ड दैट शी इज आवर स्टूडेंट
एंड पूरे स्टेट भर में ही उनकी ब्रांड के साथ मेरी फोटो चल रही है दैट आई एम देयर स्टूडेंट. फिर ये हुआ कि देन दे कॉल्ड अप, दे कॉल्ड मी, आई वाज नॉट रिसीविंग द कॉल्स. देन दे कॉल्ड अप माय पेरेंट्स ये बताने के लिए इमोशनली कि उन्होंने वो जो पोस्टर्स डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो इट विल ब्रिंग बैड इमेज टू देयर इंस्टीट्यूट अगर मैं वहां विजिट करने ना जाऊं टू गिव अ टॉक. मैं तो रिलक्टेंट थी दैट आई शुड नॉट, बट देन दे फाउंड आउट, वो जो एडमिशन वाले पेपर्स थे जो भी थे उसमें से एड्रेस मिला, वो लोग घर आए एंड देन बात भी हुई. फिर मैंने ये सब बताया कि आई डिडंट हैव अ गुड, आई वाज ऑनेस्ट इनफ कि एक्सपीरियंस मेरी अच्छी नहीं थी आपके साथ. इवन माय फादर टॉक टू देम. देन द पर्सन, द मैनेजर, वो तो बहुत डरे हुए थे ऐसे लग रहा था, ही वाज ऑल स्वेटी. तो पूरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड देन दे ऑफर्ड कि ये एक्सपीरियंस था तो हम आपको ठीक है विल रिफंड योर मनी. तो आप ये देखिए, वो लोग दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट यू. अभी तब मेरी कोई आई हैड नो इम्पोर्टेंस विद दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट या उनके लाइफ में. अभी एक रैंक मिल गई तो दे वॉन्ट टू बाय मी फॉर दैट रैंक. मेरी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ी. आप देखिए अभी मुझे 4 साल बीत गए, तो क्या आप 4 साल, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एस्पिरेंट की एक ही अटेम्प्ट में हो जाए. किसी को 2 लगती है, किसी को 3 लगती है, हो सकता है कि मुझे भी 6 अटेम्प्ट लगे होते. तो मतलब डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द पेशेंस एंड डू यू हैव दैट फाइनेंशियल कंडीशन कि आप अपने पैसे को ऐसे 4-5 साल लॉकिंग करके रख सके. एंड दिस इज हाउ दे लाइक ऑफर्ड मी कि हम आपको रिफंड देते हैं, जो कि एक्चुअली 3 साल पहले होनी चाहिए. एंड दे केम विद बुके एंड ऑल उसको रिफंड करने के लिए. ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, आप इसको नेगेटिवली इस चीज से ले कि अपना जुडिशियस डिसीजन यूज करें व्हेनेवर यू आर गेटिंग एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग, एंड पॉजिटिवली इसमें ले. मुझे बहुत खुशी हुई थी व्हेन दे फाइनली लाइक दैट गिव इन अ पॉइंट ऑफ सक्सेस, एक अकॉम्प्लिशमेंट फील हुई कि ये होती है. आप इसको मोटिवेशन के साथ भी ले कि इफ यू कुड रिलेट टू व्हाट हैप्पीनेस आई वाज फीलिंग अबाउट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू ओवरपावर मी, डोमिनेट मी, एंड इतना रूड वे से उन्होंने बोला था कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे. एंड देन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज ऑफरिंग समथिंग दैट वाज माइन, ये बोल के कि ही इज क्लेमिंग दैट दिस रैंक इज हिज. तो आई कांट एक्सप्रेस दैट कि खुशी भी थी, गुस्सा भी था, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस कि आप इस चीज को समझे एंड स्पेशली फॉर द रीजनल कैंडिडेट्स जो दिल्ली में नहीं है. तो अब मैंने ये बताया कि क्लासरूम कोचिंग के साथ मेरी एक्सपीरियंस कैसे रही, बट इसके मैं कोई नेगेटिव मैसेज देने की मेरी इंटेंशन नहीं, ये नहीं मान लेना है मेरी बात से कि हर कोचिंग खराब होता है. कुछ के अपने फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, कुछ के लॉस होते हैं. तो ओवरऑल मैं आपको एक बताऊंगी ड्यू डिलीजेंस ऑफ कोचिंग, जब आप कोई चूज करें तो उसे किस बेसिस पे चूज करें. मैं अच्छे एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करूँ तो जैसे टेस्ट सीरीज मैंने ली थी, आप घर से प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में टेस्ट सीरीज के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, सारे टेस्ट सीरीज अच्छे, सारे टेस्ट सीरीज बुरे ऐसे नहीं होते. आप देखिए आपको बेनिफिट क्या चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है, आपको कॉन्टेंट बेटर चाहिए, आपके पास वैल्यू एडिशन नहीं है, तो ये सब में फिर कंपेयर कीजिए आपकी फाइनेंशियल आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाली भी एक पॉइंट होती है. जैसे कि मैं अगर सोशियोलॉजी की बात करूं जो मैंने 2020 में ली थी, इट वाज एन एक्सपेंसिव वन क्योंकि इट्स अ मोर फेमस वन, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा टॉपर्स ने उसके बारे में लिखा है एंड उस टाइम पर वो बहुत पॉपुलर था, बहुत इंपॉर्टेंट था कवर करना कि थोड़े कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पॉइंट्स सोशियोलॉजी में कवर हो जाए. तो मैंने बस फीडबैक पढ़ के टॉपर्स के वो वाला एनरोल कर लिया था. बट देन इनफैक्ट जो मैंने 2021 में ली थी व्हेन आई वाज नॉट अटेम्प्टिंग यूपीएससी, सिर्फ वैल्यू एडिशन में फोकस करी थी, आई फाउंड दैट इवन मोर बेनिफिशियल जो कि वामसी सर की थी एंड इट वाज लेस देन व्हाट आई पेड इन द फर्स्ट वन. तो आप देखिए अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा प्राइसी है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसमें ज़्यादा चीज़ें मिले. आप खुद से डिसाइड कीजिए आपको कॉन्टेंट चाहिए या ज़्यादा टाइम पे फोकस करना है कि आप 3 घंटे में ख़त्म नहीं कर पा रहे हो. मुझे सबसे बेस्ट कंटेंट मिला था अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, जो वामसी सर की वैल्यू एडिशन नोट्स थी वो बहुत हेल्पफुल थे स्पेशली पेपर 2 के लिए. उसमें मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मिला.
अगर आप टाइम मैनेजमेंट और फीडबैक पे फोकस करेंगे तो मुझे बहुत फायदा मिला था फ्रॉम रिलायबल एंड वैलिड. इट इज अ वेरी चीप ऑप्शन, बहुत कम अमाउंट है कंपेयर टू व्हाट्स द मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज अवेलेबल. एंड फीडबैक एंड चेकिंग की बात करूँ तो जो मैंने पहले वाली नाइस आइज की ली थी उसमें सर की वीडियोस तो बहुत ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशंस और वो कॉम्प्रिहेंसिव थी, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर बहुत बढ़ा देते हैं जो मैंने टेस्ट के बाद जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी थी. बट द प्रॉब्लम वाज उसमें टेस्ट चेक होने में बहुत टाइम लगते थे, समटाइम्स इट टुक 15-20 डेज. आप देखिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 3 महीने का ही गैप होता है. कुछ कुछ के आंसर कॉपीज जैसे मैंने 3-4 शायद 5 अराउंड टेस्ट लिखे होंगे बट मुझे चेक होके सिर्फ 2-3 ही मिले. 2 कॉपीज तो मुझे मेंस के बाद ही आए तो उसका मुझे क्या ही बेनिफिट मिलता अगर मेरे पास चेक होके कॉपी नहीं आ रहा है तो मैं कैसे उसको अपना आंसर्स को बेटर करूँ और कॉम्प्रिहेंसिव करूँ. वो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी. सेम मतलब वामसी सर की भी रिलेटिवली स्लो थी बट इट वाज ओके. मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप ले सकते हो. जैसे कि मैंने बोला कि कंटेंट अगर आपकी फोकस है तो आप ये चूज कर सकते हो. सर की कंटेंट बहुत रिच थी. एंड फिर मैंने जो रिलायबल एंड वैलिड की बात की वो वाली चेकिंग बहुत ही फास्ट थी. इट वॉज इक्विवेलेंट टू चेकिंग जो GS पेपर्स की स्पीड होती है टॉप टेस्ट सीरीज में. जैसे कि 3-4 दिन में ही मुझे अपने कॉपीज मिल जाते थे तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक थिंक ऑन द फीडबैक, कौन सा मुझे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए. जल्दी मिल गया तो मैंने फिर अपना प्रैक्टिस और भी तेज बढ़ाना शुरू कर दिया था. स्पीड बढ़ जाती है इसमें. सेकेंड चीज ये है कि मैं बता दूँ टेस्ट सीरीज देते कैसे हैं. अगर आप घर से प्रिपेयर करें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस इसमें होगी कि जो 50 पेज होते हैं मेंस के लिए मान लीजिए एक सब्जेक्ट का, तो सारा आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है. ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि सब लिखने के बाद 3 घंटे लिखने के बाद आप पूरा को स्कैन करके अपलोड कीजिए. स्पीड अगर मैं बात करूँ GS की तो विजन और फॉरम की स्पीड बहुत अछी थी. इट वॉज क्वाइट फास्ट कि 3-4 दिन में ही कॉपी मिल जाती थी मैंने अपलोड करने के बाद. एंड फीडबैक भी सारे ही काफ़ी अच्छे थे बट फीडबैक का आप ध्यान रखें. कभी कभी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फीडबैक आते कि आप ये भी ऐड करो वो भी ऐड करो आंसर में. एंड इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप 2-3 पेज में इतना सब कुछ लिखो. व्हाट दे राइट इज अबाउट मॉडल आंसर्स बट आप फोकस करो कि 3 घंटे में आप ऑप्टिमम चीज़ें कैसे लिखेंगे. फीडबैक और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कभी कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे. एंड मोस्ट टेस्ट सीरीज कैन नॉट रिप्लीकेट व्हाट इज द UPSC चेकिंग. तो आप उस पर फोकस ना दें कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं. आप देखिए कि आप 3 घंटे में जो भी आपने प्रिपरेशन की थी उसकी मैक्सिमम 90% आपकी प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं कॉपी में. ये मेरी टारगेट थी तो उसी हिसाब से मैंने टेस्ट सीरीज चूज किया. मेरी फोकस कभी ये नहीं थी कि वो ज़्यादा फेमस हो और उसमें ज़्यादा कुछ मिले. हर टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कंटेंट सिमिलर ही होते हैं बिकॉज बेसिक चीज़ें तो वो बुक से ही उठाएंगे. इट्स नथिंग लाइक उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है. कंटेंट सॉल्यूशंस कंटेंट जो है कुछ कुछ के फ्री में भी मिल जाते हैं, वो भी आप देख लो अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर्स के. विजन और फॉरम के तो मिल ही जाते हैं. अनदर प्रॉब्लम विद फेमस टेस्ट सीरीज द प्रॉब्लम कम्स विद अफोर्डेबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट आउटपुट यू गेट. अगर आपका कंटेंट और नोट्स ऑलरेडी रेडी है तो क्यों इतना ज़्यादा करके एक टेस्ट सीरीज लेना उसके सॉल्यूशंस को क्लेम करना. आप ये कर सकते हो कुछ कुछ अफोर्डेबल भी होते हैं जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने एक बार आई फाउंड SOMP जो मैंने IS नेटवर्क के बारे में लिखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी. दैट्स मोर अफोर्डेबल. आप अगर सिर्फ 3 घंटे बैठ के कोई पेपर लिख के चेक करवाना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस अफोर्डेबल ऑप्शंस. कॉस्टली की और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है आपको विजन में रैंक बहुत ज़्यादा आ जाए बट देर आर स्टिल एस्पिरेंट्स जिनकी फाइनल में मार्क्स नहीं आती या फिर विजन में कम आए हो एंड फाइनल में मार्क्स ज़्यादा आती है. तो उस पर कभी ना जाए कि आप विजन या किसी फॉरम में जाएंगे तो आपको रैंक या फिर मार्क्स की प्रेडिक्शन मिल जाएगी. दिस इज़ अ वेरी फेक मतलब न्यूज फेक इन्फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं वैसी है. तो अपनी पूरी अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कीजिए. आपको दिल्ली से लेनी है, आपको लोकल लेनी है, आपको टेलीग्राम से लेनी है, ऑनलाइन लेनी है. अच्छे से फीडबैक पढ़िए फ्रॉम टॉपर स्ट्रैटेजीज की उनको कहाँ कहाँ बेनिफिट हो रही है. कोई भी टेस्ट सीरीज परफेक्टली फुल प्रूफ नहीं होती. किसी में आपको जल्दी आंसर्स चेक होके मिलेंगी तो किसी में कंटेंट कम रहेंगी. बट यस अगर आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्टर्स हो तो आप शायद कंटेंट पे ध्यान दोगे. अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो जाएंगे देन वाई स्पेंड सो मच ऑफ मनी फॉर द फीडबैक एंड कंटेंट. आपको सिर्फ फोकस रहना चाहिए कि
क्वालिटी ऑफ आंसर्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम कैसी होगा. तो कोई भी सस्ते वाली आप ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चेक करवाना है, वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाओगे. तो ये जो मैंने बताया, बेस्ड ऑन योर ओन डिमांड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से ही आप चूज करें. मैंने जो जो टेस्ट सीरीज ली थी उसकी सारी मैंने डिटेल्स बताई है. कोई और टेस्ट सीरीज भी है जो आप लेना चाहते हो कि इसका क्या क्या है, तो दूसरे टॉपिक्स की स्ट्रेटजी देखिए, उसमें क्या फायदा मिल रहा है, फिर आप चूज करें. आप मुझे भी और क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रही हूँ, एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज करके यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस. थैंक यू.